अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में ऑपरेशन जागृति अभियान थाना नारखी क्षेत्र के मिश्रा बैकेंट हॉल नारखी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी टुंडला की अध्यक्षता में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के अंतर्गत काफी संख्या में क्षेत्र के प्रधान, पूर्व प्रधान, राशन डीलर, बीडीसी सदस्य, सेवानिवृत्त लोगों, महिलाओं, छात्राएं, उनके अभिभावक एवं अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों के साथ ऑपरेशन जागृति के उद्देश्यों जैसे फर्जी FIR, बालक बालिकाओं द्वारा घर छोड़ने, साइबर बुलिंग, हिंसा या अपराध की पीड़िताओं की काउंसिलिंग पर चर्चा की गई। इस दौरान थाना प्रभारी, नारखी एवं अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कि हम जो सोशल मीडिया में अपनी जो भी पिक्चर हम अपडेट करते हैं, लाइक टीवी हमने लगाया, जिसमें पिक्चर हमने लगाया, तो हमें पूरी प्राइवेसी के साथ में लगाना है। किसी अनोन के हमें रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी अनोन को हमें फॉलो या फॉलो बैक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, हमारी जितनी भी पोस्ट होगी वो सारी की सारी सारी हमारी शेयर होगी और वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी का मिसयूज किया, चुप्पी तोड़ती है सब, किसकी चुप्पी तोड़ती है? लेकिन परिवार में बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, कुछ बातें अपनी अपने माता पिता से, भाई से नहीं करती, और ये हमारे परिवार की सच्चाई है, कोई इसे ना नहीं बोलता। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बोल पाती परिवार, उसके बाद समाज में कई सारी ऐसी चीजें समाज में भी महिलाएं बोल नहीं पाती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि हमारे घर का जो माहौल है वो इस तरह बनाया गया जो पुरुष प्रधान रहा हमेशा। अगर मैं आज से इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर घर का माहौल माता पिता अपने बच्चियों के खास कर अगर दोस्त निकल रखे तो गांव छोड़ के चला जाता है, कभी गांव में आता नहीं, तो उससे क्या होता है? उससे यह होगा कि आपके गांव का एक हीरा जो आपके गांव का नाम रोशन करने वाला था वो आपके गाँव से चला गया, कहीं विदेश में जाकर या किसी और प्रदेश में जाकर बच जाता है। तो ये हमारे गाँव की क्षति है ना, कोई हमारे गाँव जो हमारे गर्व की बात करता था वो आज हमारे गांव में नहीं है, और हमारे महिलाएं उनको जो आगे करके छोटे मुद्दे दिखाई जाते हैं, खासकर जमीनी विवाद, पानी का विवाद, नाली का विवाद, इसमें हर महिला को आगे कर दिया जाता है कि चलो पहले क्या किसी चप्पल लिखवा लो, छिड़काने लिखा दो, रेप लिखा दो, बाकी लोग देखते रहेंगे होता रहेगा। लेकिन ये कितना खराब है जो टेंडेंसी है, इस महिला को आपने ऑब्जेक्ट पर यूज कर लिया, एक वस्तु पर यूज किया, उस महिला की इज्जत को आपने तार तार कर दिया, क्योंकि उसको जाके कोर्ट में जाके बयान देना पड़ता है और उसको केस खत्म होने के बाद तारीख करनी पड़ती है। अगर उसकी शादी नहीं हो गई तो शादी के बाद भी उसको ससुराल से आके अपने तारीख करने के लिए जाना पड़ता है। तो कितनी